दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनाव एक त्योहार की तरह मनाया जाता है, जहां वोटर अपनी एक उंगली से किसी की सत्ता बनाने या बिगाड़ने का आदेश देता है। अब इतने बड़े लोकतंत्र में चुनाव एक बहुत एक्सपेंसिव अफेयर है। अब चुनाव के दौरान क्षेत्र में जाकर के जनसंपर्क करना, बड़ी बड़ी रैलियां करना, कार्यकर्ताओं को गाड़ियों में साथ ले जाना, साथ में रहना, खाना पीना, झंडे, बैनर, बहुत तरीके के खर्चे होते हैं और आजकल तो डिजिटल खर्चे भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। भारत में लगभग 90 करोड़ वोटर्स हैं और इन तक पहुंचना कोई बहुत आसान काम तो नहीं है। जाहिर है जब चुनाव की कैंपेनिंग इतनी महंगी है और ये पॉलिटिकल पार्टीज कोई बिजनेस तो कर नहीं रही, तो इनके पास पैसा आएगा कहां से? तो चंदा लेकर के चुनाव लड़ना ही एक विकल्प बचता है। और इसी चंदा लेने के सिस्टम में एक नए युग का सूत्रपात हुआ 2017 में, जब पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की घोषणा की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया है और पूरे देश में एक बहुत बड़ा हल्ला मचा हुआ है। तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ने पॉलिटिक्स में से ब्लैक मनी को खत्म कर दिया है? आपकी इस तरह की सारी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में बने रहिएगा और सपोर्ट करने या क्रिटिसाइज करने से पहले पूरा वीडियो देखिएगा और उसके बाद अपनी राय बनाइए। चुनावों में चंदा लेना कोई नई बात नहीं है, बल्कि भारत के पहले आम चुनाव से ही चंदे की प्रथा शुरू हो गई थी। और बिना एनालिसिस किए चंदा लेने को गलत कहने वालों को पहले थोड़ा पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज चंदा इकट्ठा नहीं करेंगी तो आप तक पहुंचेंगी कैसे, चुनाव का खर्चा लाएंगी कहां से? अगर इतिहास के पन्नों को टटोले तो एक जमाना था जब लाइसेंस राज सिस्टम चला करता था। लाइसेंस राज सिस्टम में एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए लगभग 80 एजेंसीज का अप्रूवल चाहिए होता था और उसके बाद सरकार ये तय करती थी कि आप क्या मैन्युफैक्चर करेंगे और क्या इंपोर्ट करेंगे। उस समय की कई रिपोर्ट्स के अनुसार अगर किसी को बिजनेस सेटअप करना होता था और वो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे देता था जिसकी सरकार होती थी, तो लाइसेंस की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती थी, बहुत आसानी से लाइसेंस मिल जाया करता। अगर इतिहास में आए हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग केस की चर्चा करना जरूरी है। 1957 में टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अमेंड किया ताकि वो आसानी से अपने प्रॉफिट से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सके। इस पर एक जागरूक शेयर होल्डर जयंती लाल रणछोड़ दास कोटीचा ने आपत्ति दर्ज कर दी और बॉम्बे हाईकोर्ट में केस दर्ज कर दिया। उनका कहना था इससे डेमोक्रेसी वीक होगी और ये तो पार्टी को खरीदने जैसा हो गया। इंटरेस्टिंगली बॉम्बे हाईकोर्ट ने टिस्को के फेवर में फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि यह कंपनी को तय करना है कि उनको कहां पे चंदा देना है या उसके लिए क्या सही है। यहां तक सारी चीजें नॉर्मल थी, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इसके अगले साल ही बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जिन्होंने ये फैसला दिया था और रिटायर हो गए और नेहरू जी ने उन्हें US का एम्बेसडर बना दिया। इसके बाद कॉर्पोरेट्स के द्वारा पॉलिटिकल फंडिंग के सिलसिले ने कई तरीके के उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इतिहास की ज्यादा बात नहीं करेंगे, वर्तमान की बात करेंगे। एक महापुरुष ने कहा है बीती ताही विसारिए, अब आगे की सुध ले। एक नया मोड़ आया 2017-18 में जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम संसद से पास हो गई। सरकार का तर्क था कि इससे पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग में पारदर्शिता आए। अब तक जो बिजनेस हाउसेस कैश में डोनेट करते थे वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बैंकिंग चैनल में आएंगे और इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेट करेंगे। ये बॉन्ड्स SBI की ऑथराइज्ड ब्रांचेस से चेक देकर या डिजिटल पेमेंट करके ही खरीदा जा सकता। कोई भी व्यक्ति ये बॉन्ड खरीद के किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकता था और 15 दिन के अंदर इसे एनकैश कराना होता था, वरना ये पैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा हो जाते। लेकिन इसका एक क्लॉज था जिसका शुरू से विरोध हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी कारण इस पर रोक लगा। तो क्लॉज ये था कि बॉन्ड खरीदने वाले की जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाए। आप अगर बॉन्ड को देखें तो कहीं भी खरीदने वाले का नाम अंकित नहीं है। खैर, इसकी जानकारी गोपनीय रखना सही है या गलत, इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। लेकिन आपके मन में भी एक जिज्ञासा होगी, बिजनेसमैन धंधे वंदे करे क्या पॉलिटिकल पार्टी को चंदा वंदा देते हैं, क्यों पॉलिटिक्स में फंसते हैं? तो इस जिज्ञासा का भी एक लॉजिक है। मान लीजिए आपकी एक दवाई की कंपनी है जो US या चाइना से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है। अब अगर वर्तमान सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी तो जाहिर सी बात है आपको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना होगा, आपके प्रोडक्ट्स महंगे होंगे और हो सकता है कि यूरोप या कहीं और बैठे किसी और मैन्युफैक्चरर से आप कॉम्पिटिशन में पिछड़ जाए। तो जाहिर सी बात है अपने धंधे को और अच्छे से चलाने के लिए आप सोचेंगे कि यार दूसरी पार्टी पावर में आनी चाहिए और इसके लिए आप उसकी मदद करेंगे। और चुनाव में तो चंदा एक बहुत बड़ी या कहिए सबसे बड़ी मदद। इस एग्जांपल से हमारा ये लॉजिक क्लियर हो जाना चाहिए कि बिजनेस और पॉलिटिक्स हमेशा साथ साथ चले, क्योंकि कई सारी पॉलिसीज होती हैं जो गवर्नमेंट को बनानी होती है वो बिजनेसमैन को इफेक्ट करती है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि बिजनेस और पॉलिटिक्स एक दूसरे पर निर्भर है। तो अब आपके मन में ये जिज्ञासा आई होगी तो चंदा ही देना है तो खुल कर दें, सपोर्ट करना है
चलो खोल कर करें, इसमें गोपनीयता की क्या जरूरत। तो अब आपकी इस जिज्ञासा का जवाब, मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है और आप खुलकर एक पार्टी को सपोर्ट करने लगे, तो हो सकता है कि दूसरी पार्टी के चाहने वाले आपके प्रोडक्ट का बॉयकॉट शुरू कर दे, या हो सकता है कि किसी दूसरी पार्टी का नेता आपका MLA या MP हो और वो आपको डराना धमकाना या परेशान करना शुरू कर दे। ये मजाक की बात नहीं है, बल्कि डिजिटल युग में राजनीति घर घर तक किसी तरह से पहुंच चुकी है। या हो सकता है आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो तो खुलकर एक पार्टी को सपोर्ट करने की वजह से आपके शेयर्स गिर जाए। तो इसलिए कॉर्पोरेट्स का खुलकर डोनेशन करना और एक पार्टी को सपोर्ट करना उनकी रेपुटेशन, उनकी ब्रांड वैल्यू, बहुत चीजों के लिए खतरा है। इसलिए आप हमेशा सुनते होंगे जो बड़े बिजनेसमैन है, जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज है, वो हर पार्टी को साथ लेके चलते। कंपनीज को अपनी बैलेंस शीट में ये डिक्लेयर करना होता है कि उन्होंने कितने के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, लेकिन कहीं भी ये डिक्लेयर नहीं करना कि ये बॉन्ड किसको दिए गए। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार कुल 28,030 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए, जिसकी वैल्यू 16,518 करोड़ रुपए थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा यानी कि 6,060 करोड़ रुपए बॉन्ड्स के माध्यम से मिले, जो उन्होंने एनकैश कराए। TMC को 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले, जो सेकंड नंबर पर। अब तक आपने समझ लिया होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए शुरू किया गया था ताकि पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कैश के माध्यम से कम हो, जिससे ब्लैक मनी कर्व हो सके। तो अब आपके मन में एक नई जिज्ञासा ने जन्म लिया होगा कि अगर ये स्कीम इतनी अच्छी थी, इससे ब्लैक मनी कम हो रही थी, इससे लीगल सोर्सेज से फंड आ रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक क्यों लगाई। तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करते समय सुप्रीम कोर्ट ने पहला कारण ये दिया कि क्योंकि बॉन्ड की डिटेल्स रिवील नहीं की जा सकती, इसलिए ये राइट टू इंफॉर्मेशन का क्लियर वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जनता को ये जानने का अधिकार है कि पॉलिटिकल पार्टी चंदा कहां से ले रही है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डोनर की प्राइवेसी को क्विड प्रो क्यो मेजर नहीं माना जा सकता। क्विड प्रो क्यो यानी कि फेवर फॉर फेवर, आप मुझे कुछ दो मैं आपको कुछ दूंगा, जैसे कि आप मुझे बॉन्ड दो मैं आपको उसके बदले में कोई और फायदा दूंगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस स्कीम में इसकी कई संभावनाएं हैं। खैर, ये संभावनाएं हर जगह बनी रहती है कि आप मुझे कुछ दो मैं आपको कुछ दूंगा। और इस पॉइंट की चर्चा भी सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि टॉप 30 डोनर्स में से 14 ऐसे थे जिन पे ED, CBI या किसी अन्य एजेंसी की जांच चल रही थी। और कई सारे पोर्टल और अखबारों में छपी इन रिपोर्ट के अनुसार इन कंपनीज ने बॉन्ड इसलिए खरीदे ताकि उन्हें जांच एजेंसी से राहत मिल सके। लेकिन हमारे अनुसार ये थ्योरी सही भी हो सकती है और गलत। एग्जाम्पल से समझते, वेदांता ग्रुप ने 2019 में 376 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, फिर ईडी ने 2022 में इनके कई डायरेक्टर्स पर केस दर्ज किया और 2023 में इस कंपनी के कई प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस नहीं मिल पाया, यानी कि इन्होंने बॉन्ड पहले खरीदा और जांच बाद में शुरू हुई। तो यहाँ बॉन्ड और जांच के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा। हालांकि किस कंपनी ने किस पार्टी को डोनेशन दिया है ये डेटा कहीं भी अवेलेबल नहीं है। अब दूसरा उदाहरण समझते हैं। फ्यूचर गेमिंग एक कंपनी है जिसने अपने नेट प्रॉफिट से लगभग 6 गुना ज्यादा के बॉन्ड खरीदे। 2 अप्रैल को एनफोर्समेंट डायरेक्टर इनके कई करोड़ों के एसेट्स को अटैच करता है केस में, और 7 अप्रैल को यानी कि ठीक 5 दिन बाद ये 250 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। इसी तरह एक और कंपनी है मेघा इंजीनियरिंग लिमिटेड, इन्होंने अक्टूबर 2020 में 20 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और अप्रैल 2023 में 140 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। इन्हें एशिया की सबसे बड़ी बाई डायरेक्शनल टनल जोजिला टनल के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट मिला। इसके साथ ही इन्हें कई अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट मिले। हालांकि 2023 में इनके कई प्रपोजल्स को मंजूरी नहीं दी गई, जैसे इन्हें चाइना की एक कंपनी के साथ MOU साइन करना था और कुछ गवर्नमेंट परमिशंस की जरूरत थी जो इन्हें नहीं दी गई। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो डिटेल दी है वो 2 एक्सेल शीट। पहली शीट ये बताती है कि किस कंपनी या किस इंडिविजुअल ने कितने रुपए के बॉन्ड खरीदे, और दूसरी शीट ये बताती है कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने कब कितने रुपए के बॉन्ड एनकैश कराए। यानी कि दोनों एक्सेल शीट के बीच का कनेक्शन नहीं मिल रहा, ये पता नहीं लग रहा कि किस कंपनी ने किस पार्टी को डोनेट किया है या किस इंडिविजुअल ने किस पार्टी को डोनेट किया। तो जाहिर सी बात है ईडी की रेट्स और कॉन्ट्रैक्ट की बैगिंग का कनेक्शन इलेक्टोरल बॉन्ड से एस्टेब्लिश करना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक ये सारा डेटा अवेलेबल ना हो और इसकी जांच प्रॉपर ना हो जाए। संभावनाएं कोई भी हो सकती है, हो सकता है ईडी CBI इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से उन्हें राहत दे दे, या हो सकता है कि राहत ना भी दे, लेकिन किसी भी केस में हम जजमेंट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की इस स्कीम ने कई तरीके के प्रश्न एक आम वोटर और डेमोक्रेसी पर छोड़ दिए, इसका जवाब देने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। कई सारे केस ऐसे भी सामने आए जहां पूरी तरह से फर्जी कंपनी ने बॉन्ड खरीदे हुए थे।
तो माना जा रहा था कि ये किसी बड़ी कंपनी की शेल कंपनी होगी जिसने बॉन्ड खरीदे हैं, और कहीं भी ये प्रावधान नहीं है, कंपनी से ये पूछताछ नहीं की जा सकती कि आपने ये पैसे कहां से लाए जिससे आपने बॉन्ड खरीदे। तो ये थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पूरी निष्पक्ष गाथा। हमारे देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से कंप्लायंस का पक्का है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या गवर्नमेंट, सब हम लोगों से मिलकर के बनती है। प्रजा के बीच में से ही राजा चुने जाते हैं, और जब हमारे पास राजा चुनने का अधिकार है तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हर मुद्दे के बारे में निष्पक्ष तरीके से एनालिसिस करें और फिर एक राय बने। ईश्वर ने इंसान को विवेक की शक्ति दी है, इसका इस्तेमाल जरूर करें। इसलिए जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड को दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम बता रहे हैं, उन्हें भी ये साबित करना होगा फैक्ट्स के साथ। और जो लोग इसे सबसे क्लीन पॉलिसी बता रहे हैं और बता रहे हैं कि इससे पूरी तरह से ब्लैक मनी खत्म हो गया, उन्हें भी सारे फैक्ट्स को जज करना होगा। और 2024 लोकतंत्र के महापर्व का साल है, इसलिए विवेक का इस्तेमाल करते हुए, सारे मुद्दों को समझते हुए देश के विकास और प्रगति के लिए वोट जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई जिज्ञासा के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए।